दोस्तों, प्रेमा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाए हैं पनीर का पराठा। पनीर का पराठा बनाने के लिए 15 मिनट लगा है और ये पराठा तैयार हो गया है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी पराठा बना है। अगर आपको भी मेरा ये पराठा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं कि ये पनीर का पराठा कैसे बना है। तो पनीर का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा लगाऊंगी। तो आटा लगाने के लिए देखिए, मैंने 250 ग्राम आटा ले लिया है। ये 250 ग्राम आटा है। इसमें डालेंगे हम, देखिए ये, इसमें डालेंगे नमक, अजवाइन, जीरा और कसूरी मेथी। तो इनको हम इसी में डालेंगे, डाल के इसको मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। ये तेल लिया है मैंने, थोड़ा सा 2 चम्मच तेल है। इसको भी डाल के हम मिला लेंगे अच्छे से। अब हम डालेंगे ये थोड़ा सा दही लिए हैं, 2 चम्मच दही भी है, खट्टी नहीं है। दही डालने से थोड़ा सा स्मूथ होता है, मुलायम बनेगा पराठा। अब इसको हम मिला लेते हैं। अब हम इसको मिला लिए आटे को। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। रोटी की तरह ही आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गूंदेंगे आटा को। इसी तरह हम आटा को थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम इसको गूंद लेंगे। इसको हम जिस तरह रोटी बनाते हैं वैसे ही गूंदेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रखते हैं। जब तक से ये फूलता है तब तक से हम पनीर को तैयार कर लेते हैं पराठे में भरने के लिए। ये देखिए, ये हमने गर्म पानी कर लिया है। अब इस गर्म पानी में हम पनीर डाल के निकाल लेंगे, क्योंकि पनीर इसलिए डालेंगे इसमें कि कई दिन से रखा है ये। तो इसी तरह इसमें हम डाल के इसको गर्म पानी में धो लेंगे। बस 2 मिनट इसमें हम छोड़ देंगे गर्म पानी में, ये धुल जाएगा गर्म पानी से। इसके बाद हम बनाएंगे इसको। अभी देखिए, दो मिनट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे गर्म पानी में से। अब ये गर्म पानी हटा देते हैं। अब ये पनीर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पानी में से निकाली हूँ, फिर इसको कद्दूकस करूंगी। तब तक से अदरक, मिर्ची और इनको कद्दूकस कर लेते हैं। तो हमने इस तरह लेंगे हम, ये देखा, इस तरह से ले लेंगे। अब इसमें हम डाल लेंगे प्याज। इसमें कद्दूकस करेंगे तो हमारा बेलने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छा बेल जाता है पराठा। अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची, हरा मिर्ची है, 3 ठो मिर्ची लिया है हरा, और ये लहसुन है, 7-8 कलियां है, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है। तो अब इनको भी हम इसी में डाल देंगे। अब इनको हमें ढक्कन लगा करके इसको हम घिस लेंगे। इस तरह से हमने ढक्कन बैठा दिया है। अब इसको हम घिस लेते हैं। इस तरह से ये हमारा हो गया है। अभी देखा, ये देखिए, इस तरह से हमने घस दिया है ताकि हमें बेलने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से बेल जाएगा। तब इसको हम साइड कर लेते हैं। अब हम पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं। पनीर कद्दूकस करने के लिए देखिए, मैंने इस तरह ले लूंगी, ये मोटा वाला है, इसी में हम कद्दूकस करूंगी। तो इस तरह हम पनीर ले लेंगे और इसी में इसको हम इस तरह से हल्के हाथ से घिस देंगे। मोटा वाला में ही घिसेंगे, इसको हाथ भी मसल सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे, कद्दूकस कर देंगे तो ये एक तार हो जाएगा सब, तो भरने के लिए गांठ गांठ नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारा पूरा घिस लूंगी। बहुत टेस्टी, ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये घिस गया, ये कितना अच्छा, एकदम एक बराबर है। इस तरह से एक बराबर हमारा घिस गया है। तो अब हम इसमें मसाला मिला लेते हैं। अब एक हमने बॉल ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। ये मैंने पनीर लिया है, 200 ग्राम पनीर है।
ये हमने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। पनीर को खूब अच्छे से मोटा वाला में हमने कद्दूकस कर लिया है, इस तरह से किया, हाथ से नहीं मसलूंगी इसको, इस तरह से अच्छा दिखेगा तो इसीलिए हम इसको इसमें मसलूंगी नहीं। अब ये देखिए, ये हमारा प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची, तो इन सबको हम इसी में मिला देंगे। अब ये देखिए, अब ये हमने अदरक डाल दिया, लहसुन, मिर्ची और प्याज, ये सब हमने इसमें मिला लिया। अब इसमें डालूंगी मसाला, तो मसाला में देखिए, गरम मसाला आधा चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और ये स्वाद के अनुसार नमक है, तो इसको भी हम इसी में डाल देंगे सबको। अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे, मिला करके आप नमक टेस्ट कर लें। इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, यहाँ हम धनिया नहीं डाल रहे हैं, धनिया पत्ता, हरा पत्ता अगर धनिया है तो काट के यहीं डाल दें। और इसमें हम ये चाट मसाला, ये देखो आधा चम्मच चाट मसाला, तो चाट मसाला भी हम इसी में डाल देंगे, मिला लेंगे। ये हमारा डो तैयार हो गया है भरने के लिए पराठे में, एकदम रेडी हो गया भरने के लिए। इसको इसी तरह खाली हल्के हाथ से मिलाना है, इसको मसलना नहीं है अच्छे से, नहीं तो ये लरछा लरछा नहीं दिखेगा। तो अब हम अपना आटा देख लेते हैं। ये आटा के लिए हमारा 5 मिनट हो गया है, अभी देखो कितना अच्छा आटा सेट हो गया हमारा, देखिए इस तरह से है, ज्यादा टाइट भी नहीं है और ज्यादा नरम भी नहीं है। तो इसी तरह हम रोटी जैसे बनाऊंगी, जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से आटा करेंगे। पूरी का आटा टाइट होता है तो उसमें भरने के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो ये रोटी का जो आटा बनाते हैं हम उसी तरह इसको हम बना लेंगे आटा को। अब हम चकला ले लेते हैं, ये सबसे पहले हम चकला ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे चकला में, इस तरह से दोनों हाथ में आटा लगाएंगे। अब हम आटा काटेंगे, अब इस तरह से करके हम लोई काटेंगे, ऐसे ही लोई काटेंगे, आपको जैसा चाहिए उस तरह से आप बना सकते हैं लोई को। इस तरह से हमने चार बना लिया है, देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। अब इसमें हम आटा लगाएंगे सूखा, सूखा आटा लगा करके हम एक कटोरी बनाएंगे, कटोरी जैसे हम बना लेंगे। अब इसमें हम इसको डालेंगे, ये देखिए जो हमने पनीर बनाया है स्टफिंग डालने के लिए, इसमें इस तरह से हम इसमें दबा दबा के भरेंगे। ये देखा, इस तरह से हमने भर दिया है। अब ये एक्स्ट्रा आटा जो निकलता है हम इसको काट के निकाल लेंगे। अभी देखा एकदम हल्का हाथ से इसको हम दबाएंगे, अब फिर इसमें हम सूखा आटा लगा लेंगे, फिर एक बाद हम इसको बेल। अब इस तरह से हमने बना लिया है इसको, अब हम इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे पराठे को। ज्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलेंगे, हल्का हाथ से बेलेंगे। ये देखो हमारा पराठा तैयार हो गया है, ये देखिए इस तरह से पराठा तैयार हो गया है। अब हम दूसरा बना लेते हैं, ये देखो इसी तरह हमने 3 लोई बना लिया है। इसमें हम आटा लगाएंगे सूखा, फिर इसको हम इसी तरह भरेंगे, इसको बेल करके भी भर सकते हैं। ये देखिए हमने डाल दिया 1 चम्मच और आधा चम्मच डालूंगी इसमें। अब इसी तरह हम इसको अच्छे से हाथ से दबा देंगे, हाथ के सहारे। अब ऐसे ही इसका हम मुंह बंद करेंगे, हाथ के सहारे ही बंद करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बंद हो गया इसका मुंह। इसका एक्स्ट्रा आटा निकाल भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह करके दबा दें। ये देखिए कितना अच्छा हमारा हो गया, ये फूटता नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाएगा आपका। फिर इस तरह हम चकवा करेंगे इसका, बिल्कुल हल्का हाथ से बेलेंगे। ये देखो कितना अच्छा बेल गया हमारा ये। अब हम दूसरा भी बना लेते हैं,
इसी तरह लेंगे हम इसको और ऐसे ही हम भरेंगे। आपको धनिया पत्ता है तो आप धनिया पत्ता डाल दें। तरह से बंद हो गया मुंह। ये भी हमारा रेडी हो गया। अब हम पूरे को बना लेते हैं इसी तरह। अभी हमारा पराठा तैयार हो गया है। पनीर का पराठा हमने बेल ली हूँ, 4-5 ठो बेल लिया है। अब हम सेक लेते हैं इसको। मैंने एक तावा ले लिया है, तावा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें तेल लगा लेंगे, इस तरह से तेल लगा लेंगे तावा में ताकि ये चिपके ना। अब इसमें हम पराठा डालेंगे। इसी तरह हमारा पराठा एक साइड में सेक जा। ये देखा हमारा सेक रहा है अच्छे से पराठा। पराठा सेकने के लिए हम आंच बहुत मीडियम रखेंगे, मीडियम आंच रखेंगे। अब हम देखिए तेल लगा लेते हैं, एक साइड में सिक गया हमारा। अब हम दूसरी साइड में सेक लेते हैं इस तरह से। देखें कितना अच्छा सेक रहा हमारा। इधर भी तेल लगाएंगे, आंच मीडियम रखेंगे। देखिए इसी तरह हम सेक लेंगे इसको। ये देखें कितना अच्छा हमारा ये पराठा फूल गया है। ये देखिए, ये देखो कितना बढ़िया पराठा हमारा हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल करके इसको टिश्यू पेपर पर रखेंगे। अब हम दूसरा डाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे को बेल लेंगे। एक साइड में हो गया है, अब दूसरी साइड में बेल डाल देते हैं, पलटी कर देते हैं। अभी देखो दूसरी साइड में भी हो गया है। तो अब हम इसमें तेल लगा लेते हैं। बहुत ज्यादा तेल नहीं लगाना है, बस मीडियम लगाएंगे तेल, थोड़ा सा। आपको तेल नहीं पसंद है तो घी भी लगा सकते हैं। अब इसे हम फिर पलटी करेंगे, दोनों साइड में तेल लगाएंगे, दोनों साइड में तेल लगा के हम इसको सेक लेंगे। अब दूसरी साइड में भी लगा दिया हमने। अब इसको हम पलटी कर लेते हैं। ये देखो कितना अच्छा सुनहरा सेक रहा है हमारा। ऐसे ही सेकेंगे हम पूरे को। ये देखा कितना अच्छा हमारा फूल रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया फूल रहा हमारा ये पराठा को। ये देखिए कितना बढ़िया फूल रहा पराठा। हमारा दूसरा भी हो गया, देखें कितना अच्छा फूला है। अब इसको भी हम टिश्यू पेपर में रख लेंगे। अब हम फिर तीसरा डाल लेते हैं। अब इसी तरह हम पूरे को सेक लेते हैं। ये हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब पराठा में हम ये लगा देती हूँ बटर। बटर लगाने से बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह हम पूरे में लगा लेंगे। बटर लगा के आप खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह देखिए अब हमारा ये तैयार हो गया है। पराठा हम पनीर का बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। अगर ये पराठा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।